आखिरकार बिग बॉस सीजन 16 से इतनी जल्दी अब्दुल रोजी खान को घर से बेघर क्यों किया गया? जी हाँ, अब्दुल रोजी खान तो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट भी नहीं हुए थे, उनका नाम नॉमिनेशन में भी नहीं था, फिर क्यों सलमान खान ने उन्हें अचानक घर से बेघर कर दिया है? कि घर से बाहर कुछ ऐसा हो गया है कि अब्दुल रोजी खान को अचानक घर के बाहर जाना पड़ा है, या फिर सभी कंटेस्टेंट्स ने मिलकर अब्दुल रोजी खान को सबसे कम वोट दिए और साजिद खान की जगह अब्दुल रोजी खान को मजबूरी में घर भेजना पड़ा? ऐसे में ऐसी कौन सी बड़ी वजह आ गई थी कि अब्दू इस वक्त घर से बेघर हो चुके हैं? आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बिग बॉस के इस सीजन में अभी पूरे 4 हफ्ते हो चुके हैं कि एक भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहा है। पिछले 3 हफ्तों को नो एलिमिनेशन वीक घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब इस हफ्ते एलिमिनेशन हो चुका है और वो है अब्दुल रोजी खान। 4 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिसमें अब्दुल रोजी खान का नाम ही नहीं था, जिसमें साजिद खान का नाम शामिल था, शिव ठाकरे का नाम शामिल था, टीना दत्ता थी और शालीन भानोर थे। ऐसे में इन चारों में से मेकर्स ने किसी को भी घर से बेघर नहीं किया है। पहले यह अफवाह थी कि साजिद खान को घर से बेघर कर दिया गया है, लेकिन ये पूरी की पूरी फेक न्यूज थी। साजिद खान घर से बेघर नहीं हुए थे, साजिद खान इस वक्त भी घर में है, लेकिन अब्दुल रोजी खान घर से बेघर हुए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब्दुल रोजी खान अपने मेडिकल रीजन की वजह से घर से बाहर गए हैं और सिर्फ 1 दिन के लिए ही घर से बेघर हुए हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो आने वाले रविवार को अब्दुल रोजी खान एक बार फिर से घर में एंट्री लेने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि अब्दुल रोजी खान को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, जिसके चलते उन्हें सिर्फ 1 दिन के लिए ही घर से बाहर भेजा गया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि साजिद खान घर से बेघर हो जाएंगे, इसलिए यह अफवाह भी फैली कि साजिद खान घर से एलिमिनेट हो चुके हैं। वोटिंग लाइन तो पूरी तरह से क्लोज थी, लेकिन कहा जा रहा था कि घर के अंदर एक टास्क हुआ है, जिसमें सभी घर वालों ने एक ऐसे कंटेस्टेंट को चुना है जिसे घर से बेघर कर दिया जाए, जो एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसे फीका कंटेस्टेंट कहा जाए और उसे घर से बेघर कर दिया जाए। ऐसे में कहा यह जा रहा था कि साजिद खान को सबसे कम वोट मिले हैं और साजिद घर से बेघर हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से मेकर्स ने एक बहुत बड़ी चाल खेल दी है और इस हफ्ते भी कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है। जी हाँ, ये 4th हफ्ता है जब बिग बॉस ने मेकर्स ने इस हफ्ते को भी नो एलिमिनेशन वीक घोषित कर दिया है। अब देखना ही होगा कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन कंटेस्टेंट नॉमिनेट होते हैं और उनमें से कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो घर से बेघर हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मेकर्स को साजिद खान को घर से बेघर करना चाहिए था या नहीं, हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।